friends, like and share this video and subscribe to my channel Rani's Kitchen for more such recipes, and also press bell icon to get updates about the new video. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? रानीज किचन में आपका स्वागत है. आप सब मेरी रेसिपीज बना के इसका बहुत मजा ले रहे हैं एंड मेहमानों को भी खिला रहे हैं. तो आइए आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे पालक पनीर. ने लिया है 400 ग्राम पालक, 3 टमाटर, 3 प्याज, हरी मिर्च, 250 ग्राम पनीर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, गरम मसाला, हल्दी, राई, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर. फिर हमने पालक का पेस्ट बना लिया. हरे मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाना है एंड टमाटर का पेस्ट बनाना है. फिर तेल गरम हो जाने पर आप इस पर थोड़ी सी राई डाल दीजिए, हरे मिर्च और प्याज का पेस्ट. प्याज जब ब्राउन होने लगे तो इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें. लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के बाद हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, इस पर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दीजिए. आप इस पे घर का व्हाइट मक्खन भी ऐड कर सकते हैं. जब टमाटर अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ने लगे तो इस पे पालक का पेस्ट ऐड कर दीजिए. इसे भी हमने पानी डाल के पीसा होता है, इसे भी थोड़ा तेल छोड़ने तक पकने दीजिए. पक जाए तो इस पे पनीर के कटे हुए पीसेस डाल दीजिए. आप इसे एक बाउल पे डाल के ऊपर से मैश किया हुआ पनीर डाल दीजिए. कैसे लगी आपको रानीज किचन की पालक पनीर की सब्जी? आइए अब हम 4P यानी कि पालक पनीर पराठा और प्याज के साथ इसका मजा लेते हैं. दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रानीज किचन को, और नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें.